वर में अतिक्रमण हटाने के दौरान मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अशोक गहलोत सरकार ने राजगढ़ के नगर पालिका अध्यक्ष समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। अलवर के राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले में 3 बड़े लोगों पर गाज गिरी है। राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहरिया को सस्पेंड कर दिया गया है। राजगढ़ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीना को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एसडीएम केशव कुमार मीना को भी सस्पेंड किया गया है। सरकार ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास के काम पर निगरानी रखने का जिम्मा कमिश्नर को सौंपा है। तो जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया था। हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी कि आप इतने पुराने मंदिर को एकाएक कैसे जमींदोज कर सकते हैं। तस्वीरें भी सामने आई थी कि किस तरह से जो मजदूर इस मंदिर को ढहाने के काम में लगे थे वो जूते पहनकर कुल्हाड़ी लेकर अंदर दाखिल हुए थे। गर्भगृह में प्रवेश उन्होंने किया था और इस मंदिर को तोड़ा था, जिसके बाद लगातार ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जलाई और इस पर जमकर राजनीति भी हुई। जहां तक कार्रवाई की बात है तो एक अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। राजगढ़ के नगर पालिका समेत 3 लोग कुल सस्पेंड हुए हैं। नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी इस मामले में सस्पेंड किया गया है। राजगढ़ बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दोहरिया भी सस्पेंड है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया था और इस पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई में मंदिर तोड़ा गया था। राजगढ़ के नगर पालिका अध्यक्ष समेत 3 लोग अब इस मामले में सस्पेंड हो चुके हैं।